अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की हमारी प्रैक्टिकल की कॉपी है फिजिकल एजुकेशन की, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की कॉपी है, जो कि अब ADA, ADS और इसी तरह के ADB प्रोग्राम्स के अंदर शिफ्ट हो चुका है, जिसको पहले BA, BSc भी कहा जाता था, अब इसको आजकल के ज़माने में ADA, ADS कहा जाता है। फिजिकल एजुकेशन की नोटबुक बनाने का तरीका मैं आपको इसके अंदर बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो तेज़ लग रही है तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये कॉपी मेरी फ्रेंड की थी, जब वो कॉपी चेक करवाने आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि अपनी कॉपी मुझे भी दीजिएगा, मैं भी इसके वीडियो बना के लगाऊंगी, क्योंकि बहुत से लोग मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि हमें फिजिकल एजुकेशन की नोटबुक भी जरूर दिखाइएगा। ये कॉपी उनके लिए मैंने यहाँ पे लगाई है, आप लोग जरूर इसको चेक कर लीजिएगा। पर इसके अंदर मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था कि क्या करना है, तो उन्होंने कहा था ये जो ब्लैंक पेज होता है इसको सिर्फ आप लोगों ने ऐसे ही छोड़ देना, ये पहले से ही पिक्चर्स इसके ऊपर बनी हुई होती है, पिक्चर्स को आपने बस इसके ऊपर हेडिंग लिख देनी है और दूसरी साइड पर अपना प्रैक्टिकल लिख देना, और प्रैक्टिकल भी इतना लंबा लंबा नहीं है जितना के फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस का होता है। कंप्यूटर साइंस में जब मैं प्रैक्टिकल लिख रही थी तो मेरे तीन तीन पेजेस पे वो पूरा आ रहा था, और फिजिक्स में भी सेम इसी तरह से, लेकिन इसका तो हर प्रैक्टिकल एक ही पेज के ऊपर कंप्लीट हो रहा है, और ये कॉपी इतनी बड़ी भी नहीं है, और ये थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की कंबाइन कॉपी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस लेके आऊं और कौन कौन सी कॉपी की वीडियो बनाऊं, आप मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस कॉपी की जरूर वीडियो बनाऊंगी। वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहूंगी कि आप जब भी प्रैक्टिकल देने जाएं अपने वाइवा के क्वेश्चंस को लाजमी रिपीट करके जाइएगा, क्योंकि BA बेस के ऊपर वो आपके साथ वाइवा वॉइस के क्वेश्चंस में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।